ये देश भारत है और भारत में रोज कॉमेडी होता है सड़कों पे। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जहाँ पे शाहरुख खान के बेटे गिरफ्तार हुए हैं और अभी जेल का हवा खा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे न्यूज़ दिखाने के लिए आते हैं और देश को न्यूज़ दिखाते हैं, तो पता चला यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। ये मुंबई है, मुंबई में मजाक चल रहा है। क्या मजाक चल रहा है? एक आम आदमी अगर मास्क नहीं पहने तो 200 रुपया का फाइन है, और ये फिल्म शूटिंग वाले कोई मास्क नहीं पहने हैं वहाँ पे, सभी कोई फाइन नहीं है। हालांकि ये लोग इतने दबंग है कि कैमरा भी पकड़ के और छीन रहे हैं और क्लिप डिलीट करवा रहे हैं। वहाँ पे एक बच्चे का क्लिप डिलीट करवाएं और ये भाई साहब भी हमारा क्लिप डिलीट करवा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जो है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है, और यहाँ पे न्यूज चैनल वाले को भी मना किया जा रहा है। ये भाई साहब मना कर रहे थे, खुद मास्क नहीं पहने थे और मना कर रहे थे। अब ज़रा बताइए कि ऐसे भारत का विकास कैसे होगा? ये सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शाहरुख खान जी का शायद से फिल्म का शूटिंग चल रहा है, उन्हीं का बच्चा यहाँ पे शायद से अंदर है, शायद से वेब सीरीज है। ओरिजिनल पुलिस वाले से भी हम लोग कुछ बात करेंगे और कुछ सवाल करेंगे यहाँ पे। ये ओरिजिनल पुलिस वाले हैं और अभी डुप्लीकेट पुलिस वाले जो है सड़कों पे गंद मचाए थे, इन लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा मुंबई जो है आप लोगों पर टिका हुआ है। आप लोगों के आँखों के सामने यहाँ पर मजाक चल रहा था उसी समय से, और किसी ने मास्क नहीं पहना था, और ये लोग मीडिया वाले के साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। ये लोग क्या कहना चाहते हैं इस पर? कुछ नहीं कहिएगा, मुझे पता है। चलिए छोड़िए, आपसे पूछेंगे ही नहीं हम ये चीज़ें। जो है किधर गए वो भाई साहब जो क्लिप डिलीट करवा रहे थे, किधर चले गए? यहाँ पे हैं ये लोग। कब बदतमीजी करेंगे कोई गारंटी नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? गो 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 गो। सर क्या नाम हुआ आपका? ये देखिए, इस प्रकार से नहीं ना होगा, और सवाल तो होना चाहिए। और इस देश की सभी मीडिया, लगभग छोटी बड़ी सभी मीडिया यहाँ पे मौजूद है, और सबके साथ ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप शूट नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं शूट कर सकते हैं? कोरोना के समय में भी हम शूट किए थे, आज भी शूट कर रहे हैं और भविष्य में भी शूट करेंगे। इन लोगों का शूटिंग बंद होना चाहिए अभी वर्तमान समय में, ये चीज़ें हैं अभी। और यहाँ पे सभी प्रशासन वाले लोग हैं, कार्रवाई होना चाहिए। बीएमसी वाले लोग हैं, बीएमसी वाले सबसे पहले इस पूरे शूट पे जो है फाइन मारे, और ये लोग क्लिप डिलीट करवाएंगे। इनकी औकात क्या है कि क्लिप डिलीट करवा देंगे, हमारी क्लिप डिलीट करवा देंगे? इतने सारे मीडिया वाले के सामने अगर मीडिया वाले के कैमरा पे किसी ने हाथ लगा दिया, हिम्मत कैसे हुआ इन लोगों को कि मीडिया वाले के कैमरे पे हाथ लगा देंगे? डुप्लीकेट एनएसजी कमांडो बनते हैं, डुप्लीकेट इंडियन आर्मी बनते हैं, और बेटा साला ड्रग्स का धंधा करता है। ये इस प्रकार से देश चलेगा? नहीं चलने देंगे ऐसे हम लोग देश। एकदम सवाल होना चाहिए, सभी मीडिया वाले हैं, और हम लोगों को क्या ये लोग हिजड़ा बना देंगे सभी के सामने, और वो भी एनसीबी ऑफिस के सामने ये लोग ऐसा नाटक करेंगे? अभी पूरा रोड बंद किए थे ये लोग। शूटिंग करना है आप शूटिंग कीजिए, उसके लिए फिल्म सिटी बनाया गया है। शूटिंग करना है आप शूटिंग कीजिए, उसके लिए पहले नो एंट्री कीजिए यहाँ पे पूरा। इधर से आप 120 के स्पीड में डुप्लीकेट गाड़ी से एनएसजी लिखवा के आ रहे हैं, और कहीं कोई आदमी गाड़ी के नीचे चला गया, उसका क्या, कौन जिम्मेवार? फिर दो आंसू बहाइएगा सिर्फ और सिर्फ। क्या बोल रहे हैं? कानून का मजाक ये लोग बना रहे हैं ना, तो उसी के लिए एनसीबी बैठा हुआ है। जब वो मजाक बनाता है ना, तो सारा दिन का चैन और रात का नींद ही लोगों का हराम हो जाता है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा था? कानून का मजाक बनाया साले, डुप्लीकेट पुलिस का गाड़ी बना हुआ था। डुप्लीकेट पुलिस वाले हम लोगों के साथ मजाक कर रहे थे, डुप्लीकेट पुलिस वाले ओरिजिनल पुलिस वालों के सामने जो है इस देश के जनता के साथ मजाक कर रहे थे यहाँ पे, और कैमरा पे हाथ लगा रहे हैं, मोबाइल पे हाथ लगा रहे हैं। वहाँ पे एक लड़का था, शूट कर रहा था, उससे इतना बदतमीजी से ये लोग बात किए, और इन लोगों को अभी पता नहीं है। इस देश का आम आदमी अगर इन लोगों का फिल्म और वेब सीरीज नहीं दिखे ना, तो इन लोगों का आम निकल जाएगा, ये सच्चाई है। और आम लोगों के साथ ही ये लोग बदतमीजी करते हैं, मजाक करते हैं। यही रेड चिली जो शाहरुख खान प्रोडक्शन है, वही रेड चिली का जो है शूटिंग यहाँ पे अभी हो रहा था थोड़ी देर पहले, और यही है एनसीबी, यही एनसीबी जो है ना शाहरुख खान प्रोडक्शन के प्रोडक्ट को उठा के पटका हुआ है यहाँ पे, और अभी जेल भेजा हुआ है।
तो बीएमसी से मैं विनती करना चाहता हूँ, इस देश का सबसे टाइट और सबसे अच्छा महानगर पालिका है, पहले फिर से शाहरुख खान के ऊपर फाइन मारे जैसे 3-4 बार फाइन मार चुका है। और मुंबई पुलिस से भी विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जो मीडिया वालों के साथ बदतमीजी किए हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कैसे हिम्मत हो गया यहाँ पे जो है बिना परमिशन का ये लोग जो है ना बिना मास्क का जो है फिल्म शूटिंग कर रहे हैं, और ट्रेन में अगर एक आम आदमी बेचारा जिसके पॉकेट में 200 रुपया नहीं है वो पकड़ा जाता है तो उसका किडनी काट लिया जाता है कि पैसा दो नहीं तो नहीं, तुमको नहीं उतरने देंगे। ये मजाक नहीं है तो और क्या है, और इस प्रकार का मजाक बंद होना चाहिए। और सभी मीडिया बंधु से मैं विनती करना चाहता हूँ कि सच्चाई को दिखाइए आप लोग नेशनल न्यूज पे, ताकि पता चले कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है। चलिए, हमारे पास जितना हिम्मत और हौसला है उतना हिम्मत और हौसला से मैं सच दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिना झुके बिना डरे, और पटना से आके यहाँ पे मुंबई में आप लोग भी सच दिखाइए ताकि ये देश जो है बर्बाद होने से बचे। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और उस डुप्लीकेट पुलिस वालों तक पहुंचा देना, ताकि अगली बार जो है ना कोई दो नंबर का धंधा करने से पहले जो है ना यहाँ पे वो लोग डर जाएं। ये एनसीबी ऑफिस के जो अधिकारी शाहरुख खान के मुर्गा को लाके यहाँ पे पटके हैं ना, उसी शाहरुख खान इंटरटेनमेंट के तहत रेड चिली जो है वहाँ पे फिल्म शूटिंग कर रहा था, और जब हम लोग शुरू किए तो हमारे साथ बदतमीजी किया गया, मीडिया वालों के साथ साथ आम आदमी के साथ साथ बदतमीजी किया गया। जब हम लोग सीधे तरीके से विनती किए तो हमारे साथ बदतमीजी, और जब हम लोग औकात दिखाना शुरू किए तो यहाँ से वो लोग आधा सेट छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ से अभी शूट हो रहा था और लगातार टेक पे टेक हो रहा था, टेक पे टेक हो रहा था। एक बार हमने कैमरा चालू किया, सारा टेक कम्प्लीट हो गया और गए यहाँ से। अभी चले गए ना वहाँ, यहाँ से सब भाग गए, अभी सब इधर ही थे, सब देखे आपका माइक आया तो सब यहाँ से इस गाड़ी स्टार्ट करके सब आगे निकल गए, सब निकल गए ना। हाँ, सब बिना मास्क के थे, एक के पास भी मास्क नहीं था, सबको मास्क निकाल के शूटिंग बिना परमिशन की किए जा रही थी। अगर आप मास्क नहीं पहने, आम आदमी मास्क नहीं पहने तो बीएमसी क्या करेगा? फाइन मारेगा। फाइन मारता है ना जी, 200 रुपये का फाइन मारता है। हाँ ठीक है, उनको छोड़ देते हैं, ये बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, इनको छोड़ देते हैं। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था? शूटिंग हो रहा था। अभी बंद हो गया क्या? हाँ अभी बंद हो गया। माइक अगर एक बार मीडिया वाला ईमानदारी से पकड़ के निकल जाए ना, तो ये जो फर्जी लोग हैं ना वो लोग अपने घर पे भाग जाते हैं।